तो ये मैंने सॉल्व एग्जांपल डिस्कस करने को कहे थे, सो लेट्स टेक देम वन बाय वन. दीज आर एक्चुअली वेरी इजी, यदि आपने लिख के देखा होगा तो मैक्सिमम बातें आसानी से समझ में आ गई होगी. तो पहला, कार इज मूविंग ऑन अ लेवल टर्न ऑफ रेडियस 45 मीटर, द कोफिशिएंट स्टैटिक प्रेशर बिटवीन द टायर एंड द रोड इज दिस, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, राइट, जिस पे वो टर्न कर सकती है. तो इन्होंने फिगर बनाने की बजाय, वर्मा जी ने डिस्क्राइब किया, तो मैं फिगर बना के दिखा देता हूँ. कि भाई ये एक आर रेडियस के टर्न पे कार जा रही है, टॉप व्यू है, ग्रेविटी ऐसे लग रही है, राइट, तो वर्टिकली अपवर्ड लग रहा होगा नॉर्मल, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा mg, और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, n माइनस mg इज इक्वल टू जीरो. बड़ी सिंपल सी बात है, ये डाउनवर्ड अपवर्ड खत्म. अब जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था, राइट, कि फ्रिक्शन इकलौता फोर्स होता है, राइट, जो मोशन में कुछ कर सकता है, राइट, कार का मोशन असेंशियली सिर्फ फ्रिक्शन ही चलाता है, राइट. तो ये टुवर्ड्स सेंटर एक्सेलरेशन की जरूरत है, तो टुवर्ड्स सेंटर ये फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, क्योंकि सर्कल में घूमना है तो इसको चाहिए इस तरफ, हेंस फ्रिक्शन वुड बी इक्वल टू रिक्वायरमेंट विच इज एम वी स्क्वायर बाय आर सॉल्ट. सो दिस इज द फ्रिक्शन रिक्वायर्ड. इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है, म्यू एस एम जी, विच लिमिट्स द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड दैट यू कैन. इससे ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं रहेगा और आप घूम नहीं पाएंगे, टर्न नहीं कर पाएंगे. टर्न नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, टर्न नहीं कर पाएंगे तो गाड़ी सीधी निकल जाएगी इधर और इधर खाई होगी, जबकि सड़क तो बस यहीं तक ही थी, तो एक्सीडेंट हो जाएगा. वेरी इजी क्वेश्चन. बैंकिंग वैसे मैंने पिछले लेक्चर में समझा दिया था, राइट, तो उसमें ये चीज़ कवर हो गई. सेकेंड एग्जाम्पल, बस यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि ये अपन ने साइड व्यू बनाया, ये पूरा का पूरा ट्रैक है जिसमें ये लाइक दिस इट इज गोइंग, राइट, ऐसा पूरा का पूरा सर्कुलर ट्रैक है जिसका ये अपन ने साइड व्यू बना लिया, राइट. ये वर्मा जी ने बहुत अच्छा फिगर पीछे बैंकिंग में समझा के दे भी रखा है, आप देख सकते हैं किताब, ठीक है. तो इसमें इस दिशा में जो एक्सेलरेशन चाहिए होगा ये एक्सेलरेशन जो सप्लाई होगा, राइट, ये सप्लाई करने का काम यहां पर चूंकि फ्रिक्शन नहीं है तो आप देख सकते हैं एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. तीसरा बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ था, उसमें कुछ भी नहीं था. 14 सवाल, ठीक है, वर्मा जी ने दे दिया है कि स्प्रिंग से बांध के जो है सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते. हालांकि ये मुझे बहुत पसंद नहीं है सवाल, तो इसमें फिगर इनको देना चाहिए था. तो स्प्रिंग से बांध रखा है, राइट, तो स्प्रिंग जो है यदि उसमें एक्सटेंशन हो गया है, राइट, एल इज द इलोंगेशन, तो इसकी लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक L नॉट प्लस L, और स्प्रिंग का फोर्स इस पर लग रहा होगा टुवर्ड सेंटर K इंटू स्मॉल L, और ये फोर्स क्या कर रहा होगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है.
छठे सवाल को पढ़ के आपको अजीब लग सकता है, बट प्रैक्टिकली घर में भी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं कि ऐसे लेकर यदि आप ऐसे तेजी से घुमाएंगे तो ये गिरेगा नहीं, कि कैमरे पे पता नहीं मैं कितना दिखा पाऊँगा। और आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, कोई इरेजर हाथ में रख के ऐसे तेजी से घुमाएंगे तो नहीं गिरेगा। अरे नहीं गिरना इतना आश्चर्यजनक नहीं है, नहीं गिरने का लॉजिक बस ये है कि यदि नॉर्मल इज नॉन जीरो तो कॉन्टैक्ट नहीं टूटेगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें यही किया उन्होंने, एफबडी बनाया, एमजी और नॉर्मल दोनों नीचे लगा दिए और नीचे की तरफ इसको सर्कुलर के लिए इक्वेशन लिख दिया, फॉर वाटर नॉट टू फॉल नॉर्मल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करके इन्होंने लिख दिया, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वो लिखते ही अपना काम हो गया, सॉल्व कर दिया नॉर्मल के लिए कि वी जो है इससे ज्यादा होना चाहिए। तो आप घर पे ऐसे इरेजर रख के हाथ में घुमा लिखिएगा, कम स्पीड पे करेंगे तो गिर जाएगा, तेज स्पीड पे करेंगे तो नहीं गिरेगा। दैट्स ऑल, ठीक है। सो दैट इज एग्जांपल नंबर सिक्स। बाकी स्टेप्स हैं आपके सामने, जो भी स्टेप समझ में नहीं आया आप व्हाट्सएप पर लिख के पूछेंगे, खुद से अटेम्प्ट ट्राई करके पूछेंगे तभी जवाब मिलेगा, ठीक है। Then there is the sixth question, right? के बाद अब ये seventh है। Fighter plane is come pulling out of dive at the speed this, assuming its path to be vertical circle and its mass this, find the force by the air on it at the lowest point. अब सबसे पहले समझ लीजिए, हवाई जहाज जो है उसको चलाने वाला एक ही फोर्स है, right? उठा के रखने वाला, that is air. तो ये डाइव से पुल आउट कर रहा है, मतलब कि ये ऐसे जा रहा होगा डाइव से बाहर। तो इस पे एक तो लग रहा होगा एयर का फोर्स पुश ऊपर की तरफ, राइट, और एक लग रहा होगा एमजी। तो ये इसमें लिख दिया एफ माइनस एमजी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, सॉल्व कर दिया, एयर ही पुश कर सकती है उसको। एट, तो ये पूरा एक असेंबली है ऐसे घूम रहा है। इन्होंने पूछा है कि थीटा 30 डिग्री है तो एंगुलर स्पीड कितनी है, ओके। तो इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, एफबीडी बनाना पड़ेगा, एक टेंशन, एक एमजी, ये एंगल थीटा आ जाएगा, ये एंगल थीटा आ जाएगा। तो बड़ा इजीली आप देख सकते हैं कि टी का जो साइन थीटा कंपोनेंट आ रहा है, ये वाला ये तो सर्कल में घुमा रहा होगा, सर्कल के लिए चाहिए होगी रेडियस। रेडियस कैसे निकलेगी, रेडियस सेंटर से दूरी है, सेंटर तो यहाँ है, तो यहाँ से दूरी कितनी हुई, एल तो सवाल में दे रखी है, ये रियल प्लस ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, एल साइन थीटा हो गया डिस्टेंस, ये एल और ये, तो ये दूरी कितनी हो गई रेडियस, एल प्लस एल साइन थीटा, और ये न्यूटन सेकंड लगा दिया, टी का साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस साइन थीटा। वर्टिकल में फोर्स क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, सॉल्व कर दिया। बार बार यही चल रहा है सब सवालों में आप देखेंगे, राइट। रॉड की ब्रेकिंग टेंशन दे रखी है भाई टी नॉट, किस टेंशन पे रॉड टूट जाती है, राइट। तो इसमें क्या होगा, ये टेंशन का फोर्स ही होगा जो इसको सर्कल में घुमा रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर इज एल। अभी ओमेगा को टू पाई एफ कैसे लिख दिया, भाई ओमेगा है रेट ऑफ ट्रेवर्सिंग एंगल, राइट। तो
एफ फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है कि 1/f टाइम में एक पूरा चक्कर काट लेता, एक पूरा चक्कर काटने का टाइम, यही एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ गया 2πf। तो एंगुलर वेलोसिटी और फ्रिक्वेंसी को अपन ऐसे कह सकते हैं। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एक चक्कर काटने में लगा टाइम। दसवां हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था सॉल्व एग्जाम्पल, राइट। ग्यारहवां थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या हो रहा है, ये हेमिस्फेरिकल बाउल में रख के, ऑलराइट, बाउल इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड, ऑलराइट, यदि ये थीटा है तो कैसे होगा। अगेन आप देखेंगे तो ये एक नॉर्मल फोर्स, ये एम जी, ये ऐसे घूम रहा है बाउल, ऑलराइट। तो क्या हो रहा होगा कि नॉर्मल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ऑलराइट, वो तो एम जी को बैलेंस कर लेगा, और जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा एन साइन थीटा, वो जो रिक्वायर्ड सर्कुलर मोशन के लिए फोर्स है वो सप्लाई कर रहा होगा। अब इसमें ये गलती मत कर लीजिएगा कि रेडियस को आर लिख दें, ये आर है, जिस सर्कल में घूम रहा है उसका सेंटर देखिए मार्क किया हुआ है सी, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, आर साइन थीटा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये रेडियस का रिप्लेसमेंट है, इन्होंने निकाल के भी दिखा, जिस सर्कल में घूम रहा है उसका सेंटर सी है, ओ नहीं है। तो ये छोटी सी ध्यान देने की बात थी इस सवाल। बारहवां सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्यूशन जैसा भी आपसे हो रहा है कॉपी करके लिख के एक बार पोस्ट करिए, फिर मैं इसका डिटेल डिस्कशन अगली क्लास में लूँगा। बारहवां बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, वेरी 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 क्रिटिकल क्वेश्चन, ऑलराइट। ये इतनी बार रिपीट होता है कॉन्सेप्ट कि मैं क्या बताऊँ। तो आपको जितनी जितनी जो जो बातें बारहवीं में समझ में आई है और जो समझ में नहीं आई है, लिख के मेरे को व्हाट्सएप में भेजिए कि सर ये सॉल्यूशन की ये स्टेप समझ में आई, ये समझ में नहीं आई, तो मैं वो सब इंक्लूड करूँगा अगले छोटा सा वीडियो जो मैं 12th के लिए बनाऊँगा उसमें।